सरकार और किसान के बीच लंबी बातचीत का दौर हुआ, लेकिन ये दौर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रहा और अब तो बात भी अटक चुकी है। राकेश टिकैत जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कहते हैं कि तमाम किसान नेताओं को सरकार ने जो है वो इस बात बिल्कुल वो सबसे बड़ी देखने को ऐसा है ना, हमें पका लेते थे पहले, अब क्या हमने कहा आप इनके पकाए में नहीं आना, हाथ तोड़ने ताड़ने के तो कोई बात नहीं करता कहीं से, बातचीत उनकी मान लेते थे, हमने उनकी बात मान ली, काम नहीं करते, फिर ये जवाब पीछे लगा, हमने कहा आप जाएंगे नहीं और सब लोग इकट्ठे रहे, जब बड़ा कुनबा हो जा तो मजबूती रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, एक वो हो तो दूसरा पकड़ ले, दूसरा हो तो तीसरा पकड़ ले, ऐसे ज्वाइंट रहे हम सब लोग और एक बढ़िया प्रोग्राम रहा किसानों को, और ये कहा कि जब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमारे बिल वापसी नहीं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से किसानों का ये कहना है कि पार्लियामेंट सेशन जब होगा और आप लोगों ने कहा है कि नजर रखेंगे उन नेताओं पर जो कि किसानों के हक की बात नहीं करेंगे, तो उनका विरोध भी अच्छा खासा होगा। नहीं, हमने विरोध की बात नहीं, हम तो नजर रखेंगे, उनको सबको करना चाहिए, विरोध तो जनता करेगी नहीं करेगी वो नियम पे। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से आपके पिता ने किसान इतनी आवाज उठाई और उनका एक नाम रहा, अब इस आंदोलन के साथ ये कहा जा सकता है कि किसान नेताओं का चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है, एक यूनिटी के साथ दिखाई दे रहा है, तो क्या आगे इसी तरह से रहेगा, इकट्ठे रहेंगे सब लोग और सब चेहरे हैं, बहुत चेहरे हैं इस आंदोलन का, और ये भी बड़ी चीज है कि एक चेहरा नहीं है, सब चेहरे हैं, सब मिलकर इकट्ठा काम कर रहे हैं। एक और सवाल है जी, ये बताइए कि जिस तरह से ट्रैक्टर रैली की बात की जा रही है, इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली, कैसे प्लान की, कैसे आप लोगों ने सोचा कि यही तरीके से सरकार की नाक में दम करना, हाँ दानाक में दम करना, ये किसने, ये क्या आप लोगों ने प्लान बनाया? हाँ प्लान तो बना रखा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मैडम, जी मैडम तहसील इगलास प्रतापगढ़ ब्लॉक जिला अलीगढ़ से आए हुए हैं, हजारों की संख्या में किसान यहाँ आया हुआ है और हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए सरकार को, जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक मोदी जी अपनी कानून नहीं मान लेंगे, हमको अपनी एमएसपी तीनों काले में वापस चाहिए, हम यहाँ से हटेंगे वाले घोड़ा ब्लॉक से। तो आप लोग के, आप भी ट्रैक्टर लेके आए हैं? ट्रैक्टर है, 115 ट्रैक्टर है, 70 गाड़ियाँ है हमारे साथ, हजारों की संख्या में किसान है यहाँ आया हुआ, पैदल भी आया है हमारा किसान, बाइक से मोटरसाइकिल से आया, पैदल भी आया हुआ है, जब तक हमें दिल्ली से हटने वाले नहीं है, जब तक मोदी जी और सरकार ही हमारे कानून वापस। आप कितने दिन से आए यहाँ पे? मेरठ से आया, उत्तर प्रदेश मेरठ से। अच्छा आप भी ट्रैक्टर लेकर आए? 41 ट्रैक्टर लाए हैं हम, 4-5 गांव के किसान हैं। अच्छा अच्छा, 300-400 आदमी। अच्छा, पर हम भी इन कानूनों के खिलाफ, हम पहले भी यहाँ कई बार आए हैं, बीच में आते जाते रहे हैं, लेकिन अब अपना काम वहाँ फिनिश करके यहाँ आए हैं, गन्ने मन डाल के भैया जब तक रहेंगे जब तक काले कानून वापस नहीं आएंगे, और हम इस पर कानून नहीं बनाएंगे, मोदी जी को हम झुका के जाएंगे, झुकना पड़ेगा और किसान नहीं उठेगा, हमारा शांतिपूर्ण ये कल रैली निकलेगी और इसको हम बिल्कुल कोई हमारा इरादा नहीं है, लेकिन हमें जो नाको लगा रहे हैं आक्षेप, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, ये सब इस तरह का बरकला रहे हैं लोगों के यहाँ आए, और तो कहाँ की आज़ादी है, डीजल देना बंद कर रहे हैं ट्रैक्टरों के लिए, केवल ट्रैक्टर को डीजल मत दो, टीवी सारे टीवी पे आ रहा है, हाँ डीजल का दिक्कत है, डीजल मत दो ट्रैक्टरों पे, अरे क्या कब तक रोकोगे, चाहे रोक दोगे, आजादी को तो जलियाना वाला बाग नहीं रोक सका, आजादी ली उनके बाप का नहीं है। मोदी जी आप ये कुछ भी कर ले, किसान ये कल एक कानून वापस करा के रहेगा, एमएसपी का कानून बना के रहेगा, तब तक दिल्ली में रहेगा,
ये बात आपको माननी पड़ेगी। और ये दिल्ली में आइए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, सारे चैनल बता रहे हैं, आप भी लोग बता रहे हैं, सारे देश भी आप किसान के है। किसान में जो मोदी के खिलाफ आक्रोश है, किसान मोदी बाहर समाधान है ताले बाहर समाधान है क्रिएट पे, अरे हमें कानून बना दो और तो और हर चीज पे दवाइयाँ हो सब चीज हो उन पे लिखा हुआ है अधिकतम मूल्य, अधिकतम मूल्य जिस पर दिख रही है हमारे तो न्यूनतम मूल्य में दे रहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।